आज हम लोग गणेश समाचार की टीम स्वामी जी से पियामन के जंगल में आश्रम में आशीर्वाद लेने आई है, और देश और दुनिया इस समय कोरोना बीमारी से जूझ रहा है, उस पर स्वामी जी का आशीर्वचन लेंगे। स्वामी जी, देखिए, ये जो मानव शरीर है दुर्लभ है, और इसे संजो के रखना है। ये जो बात आई कोरोना की, कोरोना है या नहीं, लेकिन हमें संयमित रखना है, अपने शरीर को संयम से रखना है। हम तीन बात कहते हैं, प्रकृति के अंदर ऐसा कोई काम नहीं जो असंयमित हो, अनियमित हो। तो भगवान के लिए भी एक समय बनाना है, सब के पास समय है, समय में सब फल देते हैं, लेकिन मानव एक ऐसा आदमी है कि भगवान के उसके पास कोई समय नहीं, तो एक समय बनाना है और एक नाम लेना है, चाहे कोई नाम राम राम कहना है या ओम ओम कहना है या शिव शिव, ऐसे तीन देवता हैं उनके नाम मिठे ले लेना जिस नाम से अपना प्यार हो, और एक गुरु बना लेना। कोरोना की बात जहाँ ही, कोरोना है या नहीं है हम तो उसके वायरस को नहीं देखते, नहीं जानते, लेकिन सर्दी खांसी बुखार दर्द ये है, यही मानना है। तो इसके लिए हमें संयम करना है, बचाव रखना है। तो जब बचाव हम रखेंगे तो हमारे पास ये सब, हम इन सबसे दूर रहेंगे। बोले गुरुदेव भगवान की। पियामन आश्रम में एक आरोग्य जल भी मिलता है। ये जल कहते हैं कि यहाँ अपने आप एक कुंड बना हुआ है जिसको भक्तों ने बधवा दिया है, उसके बारे में स्वामी जी बताएंगे इस जल की विशेषता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी अभी हमको मुश्किल से 6 महीने हुए यहाँ आश्रम से जुड़े हुए। कल शाम को सत्संग हो रहा था तो हमारे स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि इस पानी में ऐसी विशेषता है कि जिस आदमी को 10-10 मिनट में उसको लैट्रिन मतलब शौचालय जाना होता है, तो अगर वो एक रात रुक के यहाँ इस जल का प्रयोग करता है तो उसका ये मर्ज दूर हो जाता है। और बहुत सारी कई बातें बता रहे थे स्वामी जी के पास, मतलब उस चीज़ को स्वामी जी ने नोट करके रखा है प्रैक्टिकल के रूप में। तो अब बहुत तो हमको याद नहीं है इस समय, लेकिन बहुत अच्छी, जैसे अब हम खुद अपना बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पैर में हाथ में कालेपन थे बहुत ज़्यादा, हम यहाँ 1.5 महीने रुके थे लॉकडाउन में। तो जब हम घर गए तो देखे, ऐसे अचानक शीशे में देखे तो हमारा पूरा कालापन दूर हो गया था। और कई बहुत सारी विशेषताएं हैं इस जल में, जैसे किसी का पेट ना साफ होता हो तो अगर इस जल का प्रयोग करे तो उसका पेट साफ होने लगता है, हाजमा सही हो जाता है। यही बहुत सारी विशेषताएं हैं, और ज़्यादा जानकारी तो हमको बहुत नहीं है उसके बारे में, हमारे स्वामी महाराज जी बताएँगे। आप लोगों को जब अगली बार कभी समय मिले इसके बारे में विस्तृत जानकारी। बहुत 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 धन्यवाद स्वामी जी आपका। इस बीहड़ जंगलों के बीच बहुत ही दुर्लभ जगह पियामन आश्रम, जहाँ के स्वामी जी से अभी हम लोगों ने चर्चा किया, और यहाँ पर दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती हैं, और ये बहुत ही पुराना आश्रम है जहाँ कि स्वामी जी बहुत दिनों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। पहले वो एक पेड़ के नीचे तपस्या करते थे, आज भक्तों ने किसी तरह से छोटी सी कुटिया उनकी बनवा दिया है। आश्रम में गौ माता भी हैं। जंगलों के बीच स्वामी जी जिस वृक्ष के नीचे बरसों, कई बरसों तपस्या किए हैं, आइए
उस स्थान का भी आपको दर्शन कराते हैं। स्वामी जी का ये विशाल वृक्ष कई वर्षों पुराना वृक्ष है, जहाँ स्वामी जी ये कब से तपस्या कर रहे थे इसकी जानकारी इस एरिया में किसी को नहीं है, लेकिन ये बात है कि कई वर्षों से जब से लोगों ने देखा है ऐसे ही स्वामी जी को यहाँ तपस्या करते देखा था। और उसके बाद स्वामी जी के लिए भक्त लोगों ने घने जंगलों के बीच ये आश्रम बना हुआ है। आश्रम में लोग श्रद्धा के साथ आते हैं, गाय हैं, मंदिर भी हैं और मंदिर नाराज भी हो रहा है। यहाँ लोग परिक्रमा करते हैं आश्रम की। यह स्थान स्वामी जी के, यहाँ जब से आए हैं तो यहीं पे रहे कई वर्षों जी, और उसके बाद भक्तों ने बनाया वहाँ कुटिया जी बनी जी है। जी कितने बनाए? ये सब रीवा के हैं, बीड़ा के हैं। अच्छा। जी घने जंगलों के बीच ना यहाँ लाइट की सुविधा है और ना यहाँ आने जाने का कोई पक्का मार्ग भी नहीं दिख रहा है अभी तो। हाँ, कुछ सोलर प्लेट से लाइटों का इंतजाम किया गया है। कहते हैं बहुत सारे भक्त यहाँ स्वामी जी से मिलने, दर्शन करने आते रहते हैं। कई शिष्य भी स्वामी जी के आश्रम में काम करते रहते हैं। दिव्य मंदिर भी हैं जहाँ पर भक्त लोग महाराज जी की गति भी है। स्वामी जी के शिष्य प्यामान आश्रम के स्वामी जी के शिष्य से यहाँ पर जो कुछ समस्याएं हैं उसको प्रशासन तक पहुँचाने के लिए गणेश समाचार के माध्यम से स्वामी जी के शिष्य जी हमको बताएंगे। बोले श्री सद्गुरु भगवान की जय। हम लोगों को यहाँ पर बिजली के बारे में बहुत समस्या है और रोड के बारे में भी बहुत समस्या आने जाने में है, ख़ास तौर से बरसात के महीने में।
और हम लोग चाहते हैं कि किसी भी मद से कैसे भी हो, शासन के द्वारा, विधायक के द्वारा, सांसद के द्वारा अथवा और किसी अन्य मद से बिजली और रोड की व्यवस्था बने। और ये भगवान का आश्रम है, यहाँ गरीब अमीर हर तरह के लोग अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं और सबका भाव यहाँ बना रहता है। अब ज़्यादा क्या कहें, यही चाहत है कि जितनी जल्दी हो सके बिजली और रोड की व्यवस्था हो सके, बहुत बड़ी कृपा होगी। भक्त आते हैं श्रद्धा के साथ, उनको भी लाइट ना होने की वजह से काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। उसी संबंध में हमारे गांव ककड़ेरी गांव के जी, क्या नाम है आपका? राम कुमार जी से चर्चा करते हैं, बताइए। लाइट पियामन आश्रम से मान लो कि 3-4 पोल के बाद लाइट है अपने आश्रम से। तो क्या चाहते हैं कि क्या हो, लाइट आना चाहिए आश्रम में? आश्रम में लाइट आना चाहिए, रोड बनना चाहिए, यहाँ व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ जो गांव वाले लोग आते हैं आश्रम श्रद्धा के साथ, उनको सुविधा होती है? कोई सुविधा नहीं है, यहाँ क्या है कि जंगल एरिया है, लाइट नहीं है तो यहाँ रुक नहीं पाते हैं आदमी मच्छरों के बल से। अच्छा अच्छा, आप लोग चाहते हो कि यहाँ लाइट आ जाए? जी जी जी। चलिए ठीक है, आप लोगों की बात को प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो लाइट जरूरी, रोड होना चाहिए यहाँ आश्रम में। तो बड़ा अच्छा है।